सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में यानी छाती में ऐठनपन रहता है, हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्रचलन में एक दवा है जिसका नाम है फोराकॉट इनहेलर्स। ये एक इनहेलर है, पंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, कहां कहां पर काम करता है और इसकी डोज क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी सावधानी क्या क्या होती है, प्रिकॉशंस क्या होती है, उन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। बेसिकली ये एक ब्रोंको डायलेटर होता है, मतलब जहां से हम सांस लेते हैं, जो हमारा एयर वे है, जो लंग्स में एक तरीके के पाइप होते हैं, वहां से सांस का आना जाना लगा रहता है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, तो ये उसमें एयर वेज को प्रॉपर रखता है। अगर वहां पर कोई ऐठनपन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है यानी सूजन हो जाती है, तो ये उसको ठीक करने में मदद करता है और हम सांस ठीक से ले पाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। कहां कहां पर काम कर सकता है? जब हमें जो है सांस में खिंचाव आता है, स्पेशली अस्थमा के टाइम पे, जो अस्थमा हो जाता है उसको ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD डिजीज जो होती है, ये उसको ठीक करने में मदद करता है, इन कंडीशंस को नॉर्मल करने में मदद करता है। और जब हमारी सांसें खिंच खिंच के आने लगती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है, उस कंडीशन को भी ठीक करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। दिन में 2 बार हमें ये इनहेलर लेना चाहिए, इसका पर्टिकुलर पंप आता है उससे, और स्पेशली ध्यान रहे दिन में 2 बार है तो रात को सोने से पहले लीजिए, उससे पहले मत लीजिए सोते हुए, ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो दिन में 2 बार या फिर जो आपका एक फिजिशियन डॉक्टर कहता है उसके अनुसार आपको डोज रखनी है। अब सावधानी की बात करें तो इसे इस्तेमाल करने से पहले इसका लेवल पढ़ लेना चाहिए, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट के टच में इसे ना लाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब आपके मन में आएगा कि गर्भधारण महिलाएं और जो स्तनपान कराती हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये प्रोडक्ट, उनके लिए ये बेसिकली सेफ है, उन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता जब तक कि वो हाई डोज ना ले। डोज पर्याप्त है, नॉर्मल डोज लेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, अच्छे से काम करेगा प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वाली वुमेन्स पे भी। कोई भी साइड इफेक्ट अगर आता है इनकेस तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, कोई भी लेट लतीफा काम नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने फोराकॉट इनहेलर्स के बारे में जाना, काम कैसे करता है, कहां कहां पर काम करता है, इसकी डोज क्या होनी चाहिए और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज हमने बात की। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।